जुगो जुग अटल चवर शतर तख्तां दे मालक वालिए दो जहान तन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार सबसे ऊपर रखा था और वह भी निस्वार्थ सेवा और वो हमेशा मानते थे ये निस्वार्थ सेवा अनमोल है। उनके एक एक शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 500 वर्ष पहले थे। एक बड़ी छोटी कहानी है। गुरु नानक जी जब बड़े हुए तो उनके पिताजी ने उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए और पड़ोस के गांव में भेज दिए। एक सलाह भी दी उन्होंने कि दूसरे गांव से सस्ते में खरीदना और जो कुछ खरीदना इस गांव में लाकर थोड़ा महंगे में बेचना। और मुझे लगता है कि हर धंधे का उसूल भी यही है कि जो भी करो उसमें मुनाफा हो। गुरु नानक जी ने सामान तो खरीदा लेकिन जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में कुछ साधु मिल गए। कई दिन से भूखे थे साधु लोग। पिताजी के सिखाए धंधे के मुनाफे की बात वो भूल गए। गुरु नानक जी ने पूछा कि भाई आप लोग भूखे बैठे हैं, उठिए, क्यों नहीं गांव चले जाते और कुछ खा लेते हैं। साधुओं ने कहा यही तो हमारा व्रत है कि जब परम पिता की मर्जी होगी तो वही हमें भोजन देंगे। गुरु नानक जी थोड़ी देर के लिए सोच विचार में पड़ गए। फिर विचार किया उन्होंने और उन्हें लगा कि भूखे को भोजन कराने से ज्यादा लाभ और कुछ हो नहीं सकता है। और तत्क्षण उन्होंने निर्णय किया कि जो खाने का सामान वो खरीदे हैं वही साधुओं को दे देंगे। गुरु नानक जी के साथ उनके एक मित्र भी थे बाला। उन्होंने गुरु जी से कहा कि क्या आप पागल हो गए हैं, आपके पिताजी ने कहा है कुछ लाभ कमा के आना और आप तो सब लुटाने पर उतारू हो गए। लेकिन गुरु जी ने बात अनसुनी कर दी और साधुओं को खिला पिलाकर प्रसन्नचित होकर घर लौट आए। पिताजी ने देखा कि बेटा खाली हाथ आया है, जाहिर सी बात है गुस्सा आया उन्हें और बोले कि तू सब कुछ बर्बाद कर देगा। गुरु नानक जी ने कहा कि आप सोचिए,
मैंने भूखे साधुओं को भोजन कराया है और इससे ज्यादा लाभ, इससे ज्यादा मुनाफा किसी और काम में हो नहीं सकता है। मोदी जी का भी हृदय से साधुवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने गुरु परंपरा को जन जन तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में एक बृहद कार्य योजना बना करके इसे आगे बढ़ाया है। दूसरी खुशी की बात है, जो मैंने पहले कहा कि प्रकाश पर्व से पहले ही करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया गया है, जो सिख समुदाय और गुरुओं के प्रति उनकी अपार श्रद्धा को दिखाता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय ने मानवता की सेवा की परंपरा गुरुओं के आशीर्वाद से बढ़ चढ़ करके इस काम में हिस्सा लिया है। अभी कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान चाहे लोगों को भोजन पहुंचाना हो, राशन पहुंचाना हो, सिख समुदाय ने जो कार्य किया है वो केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणास्पद है। मित्रों, पिछले 500 सालों में हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया जब गुरु नानक देव जी के दर्शन ने सर्व समाज का मार्ग न प्रशस्त किया। उनके धार्मिक सद्भाव और अहिंसा की शिक्षा आज भी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। चाहे जितनी भी बाधाएं, मुश्किलें हों, चुनौतियां हों, उनका सामना करने की शक्ति हमें गुरु जी के जीवन और उनके दर्शन से मिलती है। धौर धर्म दैधा का पुतु संतोष था जिनी सूती जे को बूझे होवे सचियारे। मित्रों, गुरु नानक देव जी कहते हैं धर्म जीवन का आधार है। भारत में विभिन्नता है, विविधता है, अनेकों उपासना पद्धतियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, अलग अलग तरह के रहन सहन हैं, लेकिन ये देश, ये राष्ट्र एक है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जिस धर्म को जीवन का आधार माना है वह धर्म धारण करने वाला है, वह धर्म समन्वय करता है, वह धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और इसी धर्म की, इसी विचार की रक्षा के लिए गुरुओं के त्याग बलिदान से भारत का इतिहास हरा पड़ा है। गुरु नानक देव जी ने एक और बात कही है, दया और संतोष। मनुष्य का पूरा जीवन, मैं मानता हूं कि इन दो शब्दों में समाया हुआ है। ये अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। संतोष और मानव सेवा का गुरु नानक देव जी का मंत्र खुद के जीवन में ढालना और जन जन तक पहुंचाना, मैं समझता हूं कि आज अगर यही हम संकल्प लेते हैं तो ये सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा होगा।